औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला ने, इनको हिंदुस्तान की सल्तनत पर काफी वक्त मिला, काफी वक्त, कई दहाइयां इन्होंने हुकूमत की हैं हिंदुस्तान पर, तकरीबन 50 साल के करीब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला ने। और साथ बादशाहत के आप एक परहेजगार मुत्तकी इंसान थे, उलमा औलिया सबका अदब करना आपका तुर्रे इम्तियाज था। ये और बात है कि आज तारीख उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो औसाफ हमीदा हैं, मैं आपको बताऊं उनका एक खास काम। औरंगजेब टोपियां बुनते थे। हिंदुस्तान की बादशाहत ये हिंदुस्तान नहीं, उस वक्त के हिंदुस्तान में अफगानिस्तान तक की सरहदें थी, पाकिस्तान बांग्लादेश सब इसी मुल्क में था। इसकी सरहदें उतनी लंबी थी, इतनी बड़ी सल्तनत का वो मालिक, लेकिन अपनी कमाई के लिए वो रोजाना टोपियां बुनते थे और कुरान पाक अपने हाथ से लिख करके, अपने हाथों से लिख करके इस चीज के अमल के जरिए से वो अपने घर को चलाते थे। कौमी खजाने से उन्होंने पैसे नहीं लिए, हत्ता के टोपियां बुन करके उन्होंने जो पैसे जमा किए, उन्हीं पैसों को रख करके वसीयत किया कि इसी पैसों से मेरा कफन खरीदा जाए, कौमी खजाने से मेरे कफन के लिए भी पैसा ना लिया जाए। औरंगजेब जिसको 50 साल की हुकूमत मिली हिंदुस्तान की, वो कोई मोहल्ले का कारपोरेटर नहीं, एक जगह का नेता नहीं कि जैसे ही हुकूमत हाथ में आए तो सबसे ज्यादा लूट खसोट शुरू हो जाए और जगह जगह इनके नाजायज कामों की इमारतें खड़ी हो जाएं। औरंगजेब का महल कहां है आज? औरंगजेब की सल्तनत 50 साल रही हो, कहां उन्होंने क्या क्या बनाए? जो बनाए वो मस्जिदें हैं जो वक्फ हो चुकी हैं। एक बार उनके पास उनके उस्ताद आए, मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह, बड़े साहब कश बुजुर्ग हैं जो फिका के बड़े इमाम थे, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। मुल्ला अहमद जीवन या औरंगजेब के उस्ताद से मुलाकात के लिए आए बादशाह से, बचपन में पढ़ाया था। उस्ताद जब आए तो इन्होंने अदब व एहतराम किया, कहा हुजूर कैसे आना हुआ? कहा बस फकर व फाका बहुत ज्यादा है, गुर्बत और तंगदस्ती भी है। तो बादशाह ने अठन्नी सिर्फ हदीये में दिया अपने उस्ताद को, अठन्नी। हालांकि उनके पास जायदाद की ना कमी थी, सोने के सिक्के अशरफियां भरी होती, अठन्नी जो है अपने उस्ताद को दिया कि हुजूर कबूल फरमाए। वो ले लिए, लेकर के चले आए, जौनपुर के रहने वाले थे। तो जब उधर आए तो उन्होंने उस अठन्नी से कपास खरीदा या कुछ बीज खरीदे और उससे काश्तकारी शुरू किया। उस काश्तकारी में बरकत इतनी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह उस माल को बेच करके कई पैसे आए उसमें, और फिर आपने नफा कमाया। कमाते कमाते कई जमीनों के आप मालिक हो गए। 10 साल का अरसा गुजर गया इसी में, 10 साल का अरसा। जब तक औरंगजेब दक्कन की कहीं जंगों में मसरूफ थे, वापस जब दिल्ली पहुंचे, टैक्स वगैरह के मामला देखते थे खिराज, तो एक वजीर ने कहा कि हुजूर मुल्ला अहमद जीवन आपके उस्ताद हैं, उन पर भी टैक्स लगाना चाहिए, आज बड़े बड़े माल के वो मालिक हो चुके हैं, उनकी कई जायदादें हो चुकी हैं, उनके कई गोदाम हैं उनके माल रखने के। कहा क्या बात करते हो, वो फकर व फाका में थे, तंगदस्ती में थे, बुलाओ। हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया, उनसे जब हिसाब तलब किया गया, जाहिर सी बात है इनकम कहां से आई आपकी, ये जरूर पूछा जाएगा। आज भी अगर आपके पास अचानक माल आ जाए तो पूछा जाएगा कि कहां से आई है इनकम। मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बादशाह सलामत, औरंगजेब आपने जो अठन्नी दी थी उसी की बरकत है, मैं उसी में कमाया और इतना बढ़ गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ठीक है आप बैठे तशरीफ रखें, और अपने एक सिपाही से कहा, फला दिल्ली में एक चौराहे पर एक बनिया रहता है, एक बनिया रहता है, उस बनिया को लेके आओ, उसका हिसाब मुझे लेना है। वो बनिया आया, कहा कि मुझे तेरा पूरा हिसाब चाहिए, तेरे पास कितना माल आया और कहां कहां खर्चा किया। औरंगजेब बहुत सख्ती के साथ इंसाफ भी करते थे और अदल कायम करने में आपकी मिसाल नहीं थी, सब डरे हुए भी रहते थे। उसने अपनी जो जो बुक थी, चौपड़ियां थी, वो लाया और पेश किया हिसाब। कहा कि बादशाह सलामत, ये सारा मेरे पास इनकम है इतना, और ये एक्सपेंस है कहां कहां मैंने खर्चा किया। तो उसमें से एक जगह 1 रुपये के खर्च पे उसने लिखा था कि ये कहां है। कहा कि ये मालूम नहीं।
آپ نے طلب کیا کہ مجھے یہ ایک روپیہ جو تُو نے خرچ کیا ہے وہ مجھے بتا. تو اس نے کہا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ بارش کا زمانہ تھا اور میرے گھر کی چھت ٹوٹ رہی تھی, تو میں باہر گیا مزدوروں کو لانے کے لیے کہ کوئی مزدور مل جائے. رات کے وقت بارش میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا. ایک مزدور بڑی مشکل سے ملا اور اس سے میں نے بھاؤ تاؤ کیا, تو اس نے کہا ایک روپیہ لوں گا, ایک روپیہ لوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. میں اس کو مزدور کو اپنے گھر لے آیا, وہ چھت کا کام شروع کر دیا, تعمیری کام جیسا بھی ہو رہا تھا, لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے وہ چلا جائے گا, فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ کام ختم کر کے چلا جائے گا, فجر کے بعد وہ کام نہیں کرتا تھا. کہا پھر وہ اس مزدور کو میں نے کام پہ لگایا. اس نے جب چھت کا کام شروع کیا, آدھا کام ہو گیا تھا تقریباً, اذان ہونے کو آ گئی. کہا میں چلتا ہوں اب, میرا کام ہو گیا, اس کے بعد میں کام نہیں کرتا ہوں. کہا میاں تیرے سے میرے کام پر جو اتفاق ہوا ہے وہ ایک روپیہ کا تھا. اس مزدور نے کہا اگر میں کل زندہ رہا تو بقیہ کام کروں گا اور آدھی اجرت مجھے اس کی دے دو. تو یہ کہتا میں ایک روپیہ نکال کر کے الگ رکھ دیا, اس کو اٹھنی دے دیا اور اٹھنی کل کے لیے میں نے رکھ دیا, باقی کی اٹھنی آئے گا. لیکن وہ مزدور دوسرے دن آیا نہیں, میری چھت ٹھیک ہو گئی تھی. پھر میں نے مزدور کو طلب بھی نہیں کیا, وہ اٹھنی ایک گھر پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک اٹھنی اس مزدور کو دے دیا میں نے. وہ مزدور رات کو لے کر چلا گیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ملا احمد جیون سے کہتے ہیں حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں, وہ اورنگزیب تھا جو رات کے وقت اس طرح سے گھومتے تھے. کہا بنیا تو جانتا ہے کہ وہ تیرے گھر ٹھیک کرنے کے لیے جو مزدور آیا تھا کون ہے؟ وہ نہیں پہچانا. کہا اورنگزیب تھے. یہ رات کے وقت کسی کے گھر کو ٹھیک کر کے اٹھنی مزدوری کمانا, کہا مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ہاتھوں کی کمائی تھی اٹھنی, وہی میں نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا اور اس حلال کمائی میں اللہ نے آج اتنی برکت آپ کو عطا کی ہے. میرے عزیزو ایک اٹھنی بھی اگر حلال طریقے سے لاؤ گے وہ بہت برکت پیدا کرتی ہے, بہت برکت.